चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें देखना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और तमाम बच्चों ने कहा कि सर इसके लिए कोई एक स्पेशल वीडियो बना दीजिए। ठीक है, वैसे तो मैं हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, लेकिन बच्चों के कहने पर मैंने क्लास 10th के लिए एक छोटा सा वीडियो कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा और आपको बेटर समझ में आएगा। मैं ऐसे पूरे प्रयास करूंगा। ठीक है, तो देखिएगा यूरोप में राष्ट्रवाद, पहले बात तो हम पढ़ेंगे कि ये राष्ट्रवाद है क्या। ठीक है, और हम देखेंगे कि यूरोप क्या है। ठीक है, अधिकांशता हमें जब शुरुआत करते हैं इतिहास पढ़ने की, तो अगर हम छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो यूरोप क्या है, जैसे देखिएगा इस पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, तो उनमें से एक महाद्वीप आपका यूरोप भी है। ठीक है ना, और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया महाद्वीप, जिस पे हम लोग रहते हैं, हम यानी कि भारत भी आपका एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, तो बात यानी कि आपकी एशिया महाद्वीप की बिल्कुल नहीं हो रही है, तो बात कहाँ की हो रही है, बात हो रही है यूरोप महाद्वीप की। ठीक है ना, तो दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप आता है। ठीक है, फिर अमेरिका में चले जाइएगा, ठीक है, अर्टिका, फिर इसके बाद आपका यूरोप महाद्वीप आता है। ठीक है, तो यानी कि यूरोप महाद्वीप में अगर कह लें तो 50+52 देश हैं। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं, तो लगभग 52-51 के लगभग देश हैं यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, तो समझ में आया कि यूरोप महाद्वीप क्या है। अच्छा, महाद्वीप क्या होता है कि एक पानी में बड़ा सा भूभाग निकल आए। ठीक है, पानी में बड़ा सा भूभाग निकल आए जिस पर बहुत सारे देश बन जाएं, बहुत सारे देश बन जाएं, तो उसको बोलते हैं महाद्वीप। ठीक है, जैसे एशिया महाद्वीप है, तो एशिया में भारत है, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये तमाम यानी कि 56 देश जो कंट्री हैं, ये कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में। तो समझ में आया यूरोप महाद्वीप क्या है। अच्छा, अब हम बात करेंगे राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद पे आ जाइएगा। राष्ट्रवाद क्या, देखो वाद को समझो, वाद जहां पर वाद लग जाए इसका मतलब है लगाव, प्रेम, स्नेह। ठीक है, जैसे भाई भतीजा वाद, यानी कि भाई और भतीजों से ज्यादा प्रेम रखना। ठीक है, और ऐसी है राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद मतलब कि हमें अपने राष्ट्र से बात करना, प्रेम करना है, देश प्रेम, वो वाद है। राष्ट्रवाद यानी कि देश से प्रेम, देश से लगाव। ठीक है, तो एक चैप्टर आता है यानी कि हाई स्कूल में कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो जी बड़ा समझ में जल्दी समझ में आ जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग भारत से बिलोंग करते हैं, भारत के हैं, तो भारत में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं हमें अच्छे से पता रहती हैं। होता क्या है एक्चुअली में, यूरोप जो है, यूरोप हमसे ज्यादा उतना जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो यूरोप के बारे में उतनी अच्छी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है, तो थोड़ा सा ये बच्चों को हार्ड लगता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, चलिएगा, बिल्कुल इजी कर दिया है मैंने आपको, बिल्कुल एक एक चीज समझ में आने वाली है। तो राष्ट्रवाद आपको समझ में आया, यानी कि देश से प्रेम करना ही राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो राष्ट्र की अवधारणा जो है, अगर मैं ले लूं कि राष्ट्र शब्द जो है, तो राष्ट्र की अवधारणा, ठीक है, राष्ट्र की अवधारणा जो है पुनः जागरण काल से हुई है। ठीक है ना, राष्ट्र की अवधारणा जो है, तो ये पुनः जागरण, ठीक है, काल से हुई है। अब पुनः जागरण काल क्या, देखो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर इसी में समझा दूंगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो राष्ट्र की अवधारणा पुनः जागरण काल से हुई है, मतलब फिर से जागृत होना, फिर से जागिएगा, देखिएगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, ये आपका पुनः जागरण काल संक्षेप में मैंने बता दिया। तो राष्ट्र की जो शुरुआत है, तो ये पुनः जागरण काल से हुई है। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं, यूरोप का जो राष्ट्रवाद है, तो वो शुरू हुआ है 1789। कब से हुआ है यूरोप का जो राष्ट्रवाद है, यूरोप का राष्ट्रवाद
शुरू हुआ है 1789 में। कब से शुरू हुआ है? 1789 में। और इसको नाम दिया गया फ्रांस की क्रांति। इसका फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति से शुरू माना गया है कि भैया फ्रांस की क्रांति से ही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। मतलब अब उदय हुआ है, यानी कि व्यक्तियों ने जाना है कि राष्ट्रवाद होता क्या है, देश से प्रेम क्या होता है, जी पता चला फ्रांस से, फ्रांस की क्रांति से। अच्छा क्रांति जब होती है, क्रांति में होता क्या है, यानी कि लड़ाइयां होती हैं। क्रांति में क्या होता है? लड़ाइयां। आप देख लो 1857 क्रांति, लक्ष्मीबाई ने जब लड़ा अंग्रेजों से, तो क्रांति का मतलब लड़ाई। और जब लड़ाई के बाद तुम्हें पता है क्या होता है? समझौता, यानी कि शांति। शांति मतलब नए रास्ते निकल के आएंगे। जब क्रांति होगी, जब लड़ाई होगी, जब मारपीट होगी, इसके बाद फिर क्या होगा? नए रास्ते आना, यानी कि नए नियम बनना, नए संविधान बनना, नए कानून बनना। ठीक है, तो पहले जब क्रांति होगी, तो जब राष्ट्रवाद कब आएगा? क्रांति के बाद ही तो राष्ट्रवाद आएगा ना। वो क्रांति क्यों होगी? क्योंकि किसी ना किसी ने तो जुर्म किया है, जैसे अंग्रेजों ने जुर्म किया था भारत में, तो क्रांति हुआ। तो ऐसे ही फ्रांस में जब लुई 16वां, आपने पढ़ा होगा लुई 16वां का इतना निरंकुश शासन चला कि क्रांति करनी पड़ी फ्रांस के लोगों को। 1789 में क्रांति का इसने रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि यूरोप जो था, यूरोप उस समय छोटे छोटे राज्यों में बटा था, छोटे छोटे राज्य थे, राज्यों में बटा था। ठीक है, यूरोप में छोटे छोटे राज्य थे। ठीक है, जैसे भारत में पहले छोटे छोटे राज्य थे, वैसे ही यूरोप में भी छोटे छोटे राज्य थे, अनेक राजा थे, अनेक राज्य थे। जो भी राजा आया उसने अपना अलग से राज्य बना लिया, जो भी आया अपना राज्य बना लिया। अब छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे देश। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब राजा अधिक हो गए, राज्य भी अलग हो गए, तो अपने मन से तानाशाही होगी ना। हर कोई चाहेगा कि हम अपनी चलाएं, हम अपनी चलाएं, हम इसको जीतना, उसको जीतना, प्रजा का ख्याल ही नहीं। और फिर दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या, क्रांति क्यों आई? जब छोटे छोटे राजा हो गए, छोटे छोटे राज्य हो गए, राजा तो बड़े थे लेकिन राज्य छोटे छोटे थे। अब हुआ क्या, जब व्यक्तियों ने देखा कि जो राजा महाराजा हैं, इनके पास हजारों नौकर चाकर हैं, इनकी रानियां हैं, इनके पास भी सैकड़ों रानियां हैं, जिसका मन चाहे विवाह कर लो, रानियां बना लो, ऐश आराम की जीवन है बढ़िया, जो खाना है आ जाएगा खाने के लिए, जो पीना है आ जाएगा पीने के लिए, जिंदगी मतलब कितनी शान से जी रहे हैं। और कोई दिक्कत आई, टैक्स बढ़ा दो, लगा दो टैक्स, और जिसने मना किया टैक्स देने से चमड़ी निकाल दो शरीर से, पिटाई कर दो उसकी भयंकर तरीका से। बस यही सब कारण चले यूरोप में, सब यही कारण हुए कि जो राजा महाराजा थे, तो इन्होंने इतना जुर्म किया, इतना जुर्म किया कि व्यक्ति परेशान हो गया, अनेक प्रकार के टैक्स और मनमानी, क्या करना है क्या नहीं करना है। तानाशाही राज व्यवस्था थी, तानाशाही राज व्यवस्था थी, जो राज्य था, राज्य में थी तानाशाही, कोई किसी की नहीं सुनने वाला था भाई। जैसे अधिकांशतः हम अब देखते हैं लोकतांत्रिक राज्यों में, हम देखते हैं कि सबसे बड़ी न्यायपालिका होती है, लेकिन यहाँ जब राज्य थे और राज्य के राजा थे, तो राजा पर कंट्रोलिंग करने वाला कोई था ही नहीं, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी जो राजा को कंट्रोल कर दे। राजा चाहे चाहे जिसे फांसी की सजा दे दे, चाहे जिसे मंत्री बना दे, चाहे जिसे जो भी बना दे, वो सब राजा के हाथ में है। राजा को कब क्या करना है ये किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो तभी तो क्रांति होगी ना। क्रांति क्यों होगी, समझिए आप, क्रांति तभी, पहले जनता को परेशान तो होने दीजिए। जब राजा निरंकुश होगा, तानाशाही करेगा, अत्याचार करेगा, किसानों को मारेगा, मजदूरों को दंड देगा, तभी तो जनता जागरूक होगी ना। अभी जनता कहाँ जागरूक हो रही है, अभी जनता जागरूक नहीं हो रही है बेटा। अभी
क्रांति नहीं होती है, अभी छोटे छोटे यूरोप जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा है, तानाशाही प्रक्रिया बिल्कुल चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बुर्बो एक ताना वंश है, बुर्बो, ठीक है, बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश जो है यहाँ पर भयंकर तरीका से तानाशाह बना बैठा है, बुर्बो राजवंश, ठीक है। तो यहाँ पर राजा नहीं है जी कोई, ये राजा ये वंश का नाम है, ये फला वंश के राजा, बुर्बो राजवंश के राजा, ठीक है। तो एक मोहर लग गई है कि कौन से फला राजा कौन से वंश के हैं, बुर्बो राजवंश के। जैसे भारत में नहीं होता था कि मुगल काल, खिलजी योग, ऐसे ऐसे ही बुर्बो राजवंश, तो बुर्बो राजवंश के राजा। अच्छा, इन्हीं में एक राजा थे लुई 16वां, कौन थे, इनमें एक राजा थे लुई 16वां। ये राजा भैया जो थे ना बड़े खतरनाक थे, इतना निरंकुश, इतना तानाशाही राजा कि किसी की नहीं सुनता था। मतलब हजारों तो इसके पास नौकर चाकर थे, और पत्नियां मतलब रानियां जो थी कोई कमी नहीं थी। कब क्या करना है, बस शराब मदरा वगैरह, जिस सब राजा महाराजाओं को काम रहा, नाचना गाना। और व्यक्तियों ने भी देखा कि जी लोग करते रहते तो कुछ है नहीं है, बस कोई कमी पड़ गई ये कर लगा दो, ये टैक्स लगा दो। तो मैं आपको बता दूं कि जब इनसे परेशान हो गई जनता तो फिर उग्र होना शुरू की। जनता ने अपने जो समुदाय थे इनमें राष्ट्र के प्रति पहले तो भाईचारा बढ़ाएगी ना, जब लड़ाई लड़ना है तो पहले क्या करेगी भाई, कम से कम एक से भले दो, दो से भले चार, और चार से भले 400। पहले व्यक्तियों में प्रेम तो बढ़े, वो आए तो एक साथ लड़ने के लिए, जब सब अलग अलग होंगे तो लड़ेंगे कैसे, समझ रहे हो ना। तो अगर पूछा जाए कि यूरोप में राष्ट्रवाद का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, तो आप कह सकते हो फ्रांस से। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, फ्रांस से, यानी कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो है कहाँ से हुआ, फ्रांस से हुआ है जी। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ, तो आप कह सकते हो फ्रांस से, फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद का उदय होता है, ठीक है। तो फ्रांस में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, फ्रांस में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, कारण देख लीजिए क्या कारण बने, राष्ट्रवाद उदय के कारण क्या बनते हैं ऐसे। तो पहला किसानों और मजदूरों की दशा, पहला बना किसान और मजदूरों की खराब दशा। देखिएगा कोई भी देश हो, इन्हीं दोनों के कंधों पर अधिकांशता रहता है, किसान और मजदूर। अगर इनकी आपने दशा खराब कर दी, दिन भर मजदूरों से काम कराओगे, उनका मेहनताना नहीं दोगे, तो बताइएगा कि कैसे आपका आगे बढ़ाएंगे राज्य को। किसान जो खेती करेगा आपके लिए, आपकी जनता को खिलाने के लिए अनाज देगा, उसी की स्थिति अगर खराब कर दोगे। तो यहाँ पर सबसे मेन कारण तो यही था कि किसान और मजदूरों की जो दशा थी बिल्कुल खराब थी, बहुत प्रताड़ित कर किया जाता था किसानों को और मजदूरों को। पहला कारण तो यही बना। और दूसरा अयोग्य राजा, राजा जो था अयोग्य था, अयोग्य राजा, यानी कि जो राजा थे लुई 16वां, इनको कोई ज्ञान नहीं था क्या सही है क्या गलत है, इन्हें क्या लेना देना है, इन्हें तो अपने काम से मस्ती से मतलब अपना ही काम करना है। तो अयोग्य राजा था, तो राजा जो अयोग्य था तो उसको क्या लेना है, कोई न्याय मांगने गया, महाराज आपकी जय हो, फलाने ने भैया ने हमारी चोरी कर ली है, राजा का मूड खराब, बोले यार जिस चोरी की शिकायत है लेके ना फांसी लगा दो इसको, मतलब जो शिकायत करने गया उसी को फांसी पर लटका दिया, महाराज हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अच्छा, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चों को फांसी दे दो। जब ऐसा होगा, अयोग्य राजा हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि क्रांति होनी चाहिए, कारण यही बने कि अयोग्य राजा, ठीक है। तो अयोग्य राजा हो गया और दशा। अब तीसरा पॉइंट अगर हम देखने को मिले तो देखते हैं जनता में क्रोध, जनता में
क्रोध। अच्छा, जनता जो है, अगर जनता बागी हो जाए तो क्या राजा क्या महाराजा, सब धरे के धरे रह जाते हैं। जनता जागृत हो गई, जनता एक मत हो गई, एक साथ हो गई जनता। जनता ने कहा कि हाँ, वास्तव में गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर पूरी जनता मिलकर की तो लुई सोलामा को फांसी पर लटका देती है। पूरी जनता मिलकर के लुई सोलामा को कौन मारता है, अभी आगे पढ़ाएंगे। तो इतना समझ में आया कि पुनः जागरण काल, वो सॉरी, राष्ट्रवाद, यूरोप का जो राष्ट्रवाद है, तो इसका शुरुआत कहाँ से हुई, फ्रांस से। कब होती है, 1789 में, ठीक है। तो कारण क्या थे इसके, अगर पूछा जाए कि इसके, यूरोप का राष्ट्र जो है, छोटे छोटे राज्यों में बटा होना, राज्य में तानाशाही होना, किसान मजदूरों की दशा खराब होना, अयोग्य राजा होना, जनता में क्रोध होना, ठीक है। और लुई सोलावां के तुम्हें पता ही है क्या हुआ, ठीक है। तो अब आगे अगर हम देखें, तो इसको मैं थोड़ा साफ कर लूं, तब तक आप, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आगे देखिएगा, होता क्या है कि क्रांति के समय फ्रांस में क्या काम किए गए, देखिएगा। तो फ्रांस में जो काम किए गए, फ्रांस में कार्य किए गए क्रांति के समय, एक एक चीज समझिएगा, क्रांति के समय। तो क्रांति के समय क्या काम किए गए, क्रांति के समय फ्रांस में क्या काम किए गए, सुनिए। तो सामूहिक भावना बढ़ाई, पहली पॉइंट, सामूहिक भावना बढ़ाना, पहली बात तो सामूहिक भावना को बढ़ाया गया। क्यों भाई, जब तक सामूहिक भावना नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आगे कौन आएगा लड़ने के लिए। पहले तो भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा, जब भाईचारा बढ़ेगा, सामूहिक बढ़ेगा, एक दूसरा का समुदाय आएगा लड़ने के लिए, तो सबसे पहले यानी कि सामूहिक भावना को बढ़ाया गया। और इसके बाद बढ़ाए गए झंडा, एक झंडा। पहले अलग अलग राजा थे, अलग अलग झंडे थे, किसी का कोई झंडा, किसी का लाल झंडा, किसी का सफेद झंडा, किसी का हरा, किसी का गुलाबी, किसी का कोई, किसी का रंग बिरंगा। तो इन सब झंडों को, अच्छा एक चीज बता दूं, जनता झंडा से प्रेम करती है। जैसे हमारा, हम भारतीय लोग हैं, हम अपने झंडे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, झंडे के सम्मान के लिए मर भी सकते हैं, और मौका लग जाए कोई अपमान करे तो हम उसको मार भी सकते हैं। किसके लिए, झंडा के लिए। तो झंडा राष्ट्र को जोड़ता है, झंडा राष्ट्र को जोड़ता है। तो एक झंडा, एक झंडा मतलब एक समान झंडा भी कहता है, एक झंडा या एक समान झंडा, बिल्कुल सभी का एक समान झंडा, कि भैया जो फ्रांस की क्रांति होगी तो इसमें एक ही झंडा रहेगा, किसी और राजा का झंडा नहीं होना चाहिए। तो एक झंडा का फैसला लिया गया फ्रांस में, जो काम किए गए हैं। इसके बाद, और पितृभूमि या पैतृक, पैतृक भूमि, पैतृक भूमि, इसका भी वास्ता दिया गया कि हमारे पूर्वजों की भूमि है, पूर्वजों की भूमि है, इसके लिए हमें लड़ना है, वरना कोई भी ले जाएगा। और नागरिकता पर जोर, नागरिकता पर जोर, नागरिकता पर जोर दिया गया कि हम भैया फ्रांस के नागरिक हैं, और हमें फ्रांस को अगर बचाना है इन तानाशाहियों से, इन आताताइयों से, तो हम सभी नागरिकों को एक साथ आना पड़ेगा। तो सामूहिक भावना बढ़ाना, एक समान झंडा बनाया, पैतृक भूमि पर जोर, और नागरिकता पर भी जोर दिया गया। तो फ्रांस में ये काम किए गए, फ्रांस में ये वाले काम किए गए। अब जब क्रांति, जब सब हो गया, लुई सोलामा को पूरी जनता ने, ठीक है ना, पूरी जनता ने फांसी पर लटका दिया, ठीक है, खत्म हो गए, ठीक है। तो होता क्या है, अब समझिएगा अच्छे से, ठीक है, कि क्रांति के बाद अब क्या होगा। अब क्रांति जब हो गई, तो इसके बाद देखो, जब क्रांति खत्म हो जाए, तो क्रांति के बाद मैंने बताया था कि सब सुधार ही सुधार होगा, क्योंकि अब जब क्रांति खत्म, ठीक है, मतलब जब क्रांति जिसके लिए हुई थी, राजा साहब भी खत्म हो गए, तो होंगे क्या, क्रांति के बाद, क्रांति के बाद, या हम कह सकते सुधार,
या परिणाम हम कह सकते हैं, परिणाम क्या रिजल्ट निकला, तो संविधान का नया रूप दिया गया, संविधान, संविधान को नया रूप, नया रूप दिया गया, संविधान को नया रूप दिया गया मतलब नए तरीका से संविधान बनाया, जो पुराने संविधान थे उनको हटा दिया गया, पुराने नियम कानून थे वो हटा दिए गए, क्यों, पहले नियम जो राजा ने बनाए थे, राजा को जो पसंद आया राजा साहब ने नियम बना दिया, जनता से पूछा ही नहीं है तुम्हें पसंद है या नहीं है, जनता से क्या लेना देना है राजा साहब, राजा साहब को लेना देना है अपने आप से, राजा को जो पसंद आएगा वो लिखेगा, तो पहले जो नियम थे राजाओं के थे, तानाशाहों के थे, तो वो नियम सब हटा दिए गए और नियम बनाए गए नागरिकों के हिसाब से, तो संविधान को नया रूप दिया गया, जो नागरिकों ने कहा कि नहीं भैया एक से नियम बनना चाहिए, मृत्यु की सजा फलानी होनी चाहिए, तो वही वही हो, ऐसा नहीं कि बड़े आदमी के लिए अलग नियम, छोटे वालों के लिए अलग, मजदूरों के लिए अलग और जो बिजनेसमैन है उनके लिए अलग नियम, नहीं, बिल्कुल संविधान को नया रूप दिया गया, एक समान कानून बनाए गए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, दूसरी अगर मैं बात करूं, एक समान अधिकार, एक समान अधिकार, अच्छा जो जमीन है तो सभी के पास बराबर जमीन होना चाहिए, मतलब जमीन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी के पास तो बिल्कुल है ही नहीं है, सब उसने अपने कब्जे में कर ली, तो ऐसा नहीं, एक समान अधिकार होना चाहिए सभी को, चाहे वो धार्मिक अधिकार हो, कोई भी अधिकार हो, स्वतंत्रता बिल्कुल सभी को बराबर मिली। अगर हम तीसरी पॉइंट पर आए, तीसरी बात करें, तो क्या हुआ, सामंती व्यवस्था समाप्त, सामंती व्यवस्था थी, राजा महाराजाओं वाली व्यवस्था थी, तो ये सामंती व्यवस्था जो है ये खत्म कर दी गई, समाप्त, खत्म, कोई सामंत नहीं होगा, ठीक है, जो सामंती व्यवस्था जो है इसको भी समाप्त कर दिया गया। स्टेटस जनरल की जगह एक एक नियम था राजा महाराजाओं की तरह, स्टेटस जनरल, ये राजाओं के द्वारा बनाई गई चीजें थी, जिसको हम संसद भी कह सकते हैं, स्टेटस जनरल की जगह नया रूप लिया गया, किसने नया रूप लिया, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली ने रूप लिया, तो नेशनल इनको बनाया गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ भैया, इसके बाद देख लो और, हाँ, इसके बाद एक समान कर, एक ये बहुत बढ़िया रहा, एक समान कर, एक समान कर, टैक्स जो है एक समान, पहले अलग अलग टैक्स था, पहले अलग अलग, क्योंकि अलग अलग तानाशाह रहते थे, तो किसी राज्य में अलग है, फिर किसी राज्य में अलग है, जैसे मान लीजिए पेन मेरे पास है, ठीक है, तो इसका टैक्स हमने कुछ और दिया दूसरे राज्य में, इस राज्य में आए तो उन्होंने कहा भैया 5% तो हमें चाहिए, 5% उन्होंने ले लिया, 5% हमें चाहिए, तो फिर एक मतलब एक समान कर, बिल्कुल एक मतलब देश एक कर, जीएसटी की तरह, आगे पहले जीएसटी नहीं था, आगे इसके बाद आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया देश के अंदर, कहां, देश के अंदर, देश के अंदर आयात निर्यात शुल्क बंद, देश के अंदर आयात और निर्यात जो शुल्क थे जिनको बंद कर दिया गया, कि भैया देश के अंदर आयात और निर्यात शुल्क नहीं लगेगा, क्योंकि अगर इनकी सब देंगे तो व्यक्ति मजदूरों के पास क्या बचेगा, और पहले जो तानाशाह थे तो आयात और निर्यात शुल्क देना पड़ता था, लेकिन इनको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि क्रांति किसने लाई थी, फ्रांस के नागरिकों ने, तो वो अपने हिसाब से बनाएंगे ना सर, कौन कोई राजा बना रहा है, कहीं राजा महाराजाओं की तरीका से बनेगा, ठीक है। और एक राष्ट्रगान बनाया गया, एक ही राष्ट्रगान, एक राष्ट्रगान, अलग अलग देश में पहले अलग अलग राष्ट्रगान थे, ठीक है, अब एक विधान एक राष्ट्रगान हो गया, एक संविधान एक राष्ट्रगान, उसी का सभी सम्मान करेंगे, उसी को सभी लोग गाएंगे। और नाप तौल की एक इकाई बनाई गई, नाप तौल
की इकाई एक समान, नाप तोल की जो इकाई थी एक समान बनाई गई। क्यों भैया? पहले अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीका से नपाई तुलाई होती थी, किसी का कोई मापदंड है, किसी का कोई मापदंड है। जैसे मैं कहूं आपसे 1 किलो दूध दे दू तो जी अलग हो गया। अब किसी ने कहा भैया अथपई भर, अथपई, अब अथपई तुम्हें पता नहीं होगा अथपई क्या होता है, ठीक है। अब ये बुंदेलखंडी है, जो हम जहां हम रहते अथपई बोला जाए, ऐसी वहां फ्रांस में भी अलग अलग माप थी। जैसे आपसे कहें कि भैया 3 पौंड आलू ले आओ, 3 पौंड आलू लाओ, तो तुम कितना लाओगे? तुम्हें तो पता है नहीं है, दुकानदार ने उठा के दे दिया, लो 3 पौंड आलू हो गए, समझ गए? तो तुम लेके चले आओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है तौल के बारे में कि 3 पौंड होता कितना है। तो फिर हुआ क्या कि नाप तौल की एक इकाई बिल्कुल एक ही चलेगी भैया, किलो वाली, किलो से ही तुलेगा, अथपई अथपई कुछ नहीं, औंड पौंड कुछ नहीं, समझ गए? क्योंकि नागरिकों ने बनाया था, किसने बनाया था रूल? नागरिकों ने। भैया राष्ट्रवाद का उदय ऐसे थोड़ी होगा, राष्ट्र की भावना जाग गई। और एक चीज बता दूं, ठीक है, कि जब राष्ट्रवाद की भावना जाग जाती है ना, तो आदमी कुछ भी कर सकता है राष्ट्र के लिए, देश के लिए, बिल्कुल ठीक है। ईश्वर जिनकी बकरी खा गए पापा राय के बारे आगे। तो एक और कि फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया, जो फ्रेंच भाषा थी, तो फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा, फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया, फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया, कि राष्ट्र की भाषा है, ठीक है। और 1793 में, 1793 में लुई सोलामा को, लुई सोलवा को फांसी दे दी गई, फांसी 1793 में लुई सोलामा को फांसी दे दी गई, जनता ने ही दे दी। क्रांति के बाद क्या क्या हुआ कि संविधान को नया रूप दिया गया, एक समान अधिकार बनाए गए, सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई, स्टेट जनरल की जगह नेशनल असेंबली बनाई गई, एक समान कर बनाया गया, देश के अंदर आयात निर्यात शुल्क बंद कर दिया गया, एक राष्ट्रगान बनाया गया, नाप तोल की इकाई एक समान बनाई गई, फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया, 1793 में लुई सोलामा को फांसी दे दी गई, कथा खत्म कर दी गया, बोले हो गया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, 11वां नंबर, जब फांसी दे गई, फ्रांस आजाद, फ्रांस क्या हो गया, आजाद हो गया, ठीक है। अब जब फ्रांस आजाद हो गया, जब आजादी एक को मिल जाए, तो जानते हो कि सभी देशों में अब आजादी पाने की आग लग गई। तो और देश थे, गुलाम थे, जो अधीन थे राजतंत्र के, तानाशाही के, वहां के नागरिकों के अंदर एक ज्वाला धधक उठी, आग लग गई कि अब हमें भी आजादी चाहिए। अब इसके बाद एक पॉइंट और आता है, नेपोलियन बोनापार्ट, इसको भी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेपोलियन बोनापार्ट की क्या यहां पर कंडीशन रही, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दूं, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं आप लोगों के लिए, मैंने थोड़ा सा मेहनत करके, ठीक है, इतना कुछ किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके बेटा। और थोड़ा नेपोलियन बोनापार्ट को भी समझ लो, ठीक है। नेपोलियन, नेपोलियन के बारे में हम थोड़ा जान लेते, नेपोलियन की एंट्री भी होती है उसी समय। तो होता क्या है कि 15 अगस्त, याद रखना, जब अपना भारत विश्व आजाद हुआ था 15 अगस्त को, लेकिन नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769, 1769 ईस्वी में नेपोलियन का जन्म होता है, ठीक है। नेपोलियन का जन्म कहाँ होता है, इटली में, कहाँ होता है, इटली में जन्म होता है, इटली भी यूरोप में आता है, ठीक है। तो 15 अगस्त, और फ्रांस के बगल वाला देश है इटली, तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी में इटली में नेपोलियन का जन्म होता है, ठीक है। जब जन्म होता है तो ये लोग 6 भाई बहन थे, सॉरी 8 संतानें थी, कितनी संतानें थी, ये 8 भाई बहन थे, 8 भाई बहन थे, नेपोलियन जो था 8 भाई बहन थे, ठीक है। और जो नेपोलियन जो है, इनके माता, इनके पापा जो थे, इनके पिता जो थे, ठीक है, इनके पिता का नाम था कार्लो, क्या नाम था, कार्लो बोनापार्ट, पिताजी नाम था
कार्लो बोना पार्ट पिताजी का नाम था। तो पिताजी इनके थे वकील, क्या थे इनके पिताजी वकील थे, ठीक है। और इनके पास जमीन वगैरह नहीं थी नेपोलियन के पास, समझिएगा। फिर शासन करता है नेपोलियन। अभी नेपोलियन देखो, नेपोलियन की स्थिति क्या है कि 15 अगस्त 1769 में इनका जन्म होता है इटली में। 8 भाई बहन थे, बहुत लंबा चौड़ा परिवार हो गया। पिताजी का नाम कार्लो बोनापार्ट, जो कि एक वकील थे। जमीन नहीं थी इनके पास, जमीन वगैरह नहीं थी, नेपोलियन के पास जमीन नहीं थी, ठीक है। और इनके जो बड़े भाई थे, नेपोलियन का जो बड़ा भाई था, इनको धर्म की धर्म शिक्षा, जैसे पंडिताई होती है ना, पुरोहिताई, जब से सीखने के लिए भेज दिया गया। तो नेपोलियन को इनके पापा जो थे कार्लो बोनापार्ट ने नेपोलियन का एडमिशन कहाँ करा दिया, सैनिक स्कूल में। मतलब तेज तर्रार था नेपोलियन बचपन से ही, तो उसके गुण के अनुसार सैनिक स्कूल में एडमिशन करा दिया कि भैया जी बहुत तेज तर्रार है नेपोलियन, सैनिक बनेगा बढ़िया, और जब सैनिक बन जाएगा तो आगे चल के लड़ेगा, ठीक है। अब होता क्या है, जब जो पढ़ लिख जाता है तो जब यही फिर 1804 में फ्रांस का राजा बनता है, मतलब जब लुई 16वां को फांसी दी गई थी, कब 1793 में, कब दी गई थी 1793 में, तो जनता का शासन चला। तो 1804 में लुई वो नेपोलियन बोनापार्ट राजा बनता, अपनी सेना है ना बढ़ा लेता है, क्योंकि जो पहले से ही सैनिक था, इसकी पास ट्रेनिंग थी, दिमाग का तेज था, सेना बना के ये क्या करता है, और ये कैसे सेना जोड़ता है, राष्ट्रवाद का उदय हुआ ना, तो राष्ट्र और सैनिक जो होता है, किसी भी स्कूल का, किसी भी देश का सैनिक हो, उसके लिए सर्वोपरि क्या होता है, राष्ट्र। राष्ट्र की भावना की आग इसने हर व्यक्ति में फूंक दी, और जब फूंक दी तो 1804 में जी फ्रांस का क्या बन गया, राजा बन गया। और 1804 में इसने अपने जो नियम बनाए थे, तो इसको कहेंगे नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता लागू कर दी, पूरे देश पर नेपोलियन संहिता लागू कर दी, ठीक है। अब क्या किया इसने, सबसे बड़ा देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद तो चल ही रहा है, तो जब जमीन बिल्कुल थी नहीं, एडमिशन सैनिक बन गया, सैनिक के पास तो पता है राष्ट्रवाद की भावना होती है, अब इसने क्या किया कि राष्ट्रवाद का प्रचार शुरू कर दिया, किसने, नेपोलियन ने राष्ट्रवाद का प्रचार शुरू कर दिया। अब क्या सा प्रचार किया इसने कि राष्ट्र सर्वोपरि है, जो तानाशाह हैं इनको खत्म करो, आप अपनी खुद की जिंदगी जियो। तो जो युवा थे, पढ़े लिखे लोग थे, इनको नेपोलियन के विचार बहुत अच्छे लगे कि बहुत बढ़िया, नेपोलियन ने तो बहुत अच्छा किया कि कम से कम राष्ट्र के प्रति समर्पित है। लेकिन जैसे और बगल के राज्य वगैरह थे, वहां पर जो राजा महाराजा थे, तो उनको नेपोलियन ने जाके मारा कूटा, ठीक है। तो जो शासन इसके सैनिक थे, नेपोलियन के सैनिक थे, ये भी साथ में गए। तो नेपोलियन के जो सैनिक थे, इनने जनता की कुटाई कर दी, तो जनता उग्र हो गई। जर्मनी का फिर देखो मैं निर्माण बताऊंगा, अभी हिटलर नहीं आता है। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, नेपोलियन के डर की वजह से होता है। जब नेपोलियन अपनी सेना लेके जाता है, राष्ट्रवाद है नेपोलियन के अंदर, एक अच्छाई है और एक बुराई भी है। अच्छाई क्या है कि उसके अंदर राष्ट्रवाद है, बुराई ये है कि वो पीटता भी है, उसके सैनिक अत्याचार भी करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों समस्याएं आ गई। तो देश के जो व्यक्ति थे, तो नेपोलियन ने राजा को पीट दिया, खत्म राजा शाही। अब उसने जो वहां की जनता थी, उनको नेपोलियन के सैनिक जो थे उनने मारा, तो सैनिकों ने कहा, जो जनता थी उसने कहा, इससे बढ़िया तो राज ही मार लेता था, कम से कम अपना ही तो था, जैसे आप लोग हैं। अब आपकी पिटाई अगर आपके पापा करते हैं, तो आपको दुख दर्द तो नहीं होगा कि चलो पापा ही ने तो मारा है, और बगल वाला मोहल्ले वाला आके चाल लगा गया, तो कष्ट होगा ना कि अबे तू क्यों मार गया मुझे,
तो जर्मनी में हुआ क्या कि जर्मनी भी बहुत 300-400 टुकड़ों में राजाओं में बटा हुआ था। तो जर्मनी के अंदर क्या होता है कि नेपोलियन का एक डर आ जाता है कि तो भैया नेपोलियन बड़ा चला आ रहा है और वो बड़ा क्रूर बनता जा रहा है, तानाशाही टाइप का चला आ रहा है। तो बताओ भैया नेपोलियन जर्मनी वालों आपस में ही लड़ना है कि एक होकर के नेपोलियन से लड़ना है। तो सब राजा जो छोटे छोटे राजा महाराजा थे उन्होंने कहा भैया एक हो लो। डर के मारे एक हुए तो एक राष्ट्र बना। तो नेपोलियन के डर के मारे कुछ लोग इकट्ठे हो गए, राष्ट्र के प्रति सम्मान आया। और इसने क्या किया नेपोलियन ने कि जो विशेष अधिकार थे इनको समाप्त कर दिया। तो विशेष अधिकार थे, ठीक है, मतलब कि राजा महाराजाओं के लिए विशेष अधिकार, विशेष अधिकार जो राजाओं के लिए नहीं होते थे अलग, इनके लिए अलग सेना रहेगी, विशेष अधिकार सब खत्म कर दिए। नेपोलियन, नहीं, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है, कोई वरिष्ठ व्यक्ति नहीं है, सब एक समान है। समान कानून कर दिया इसने, ठीक है, क्या कर दिया, कानून एक जैसा पहले भी था, कानून एक समान कर दिया नेपोलियन ने। और यातायात पर इसने जोर दिया, यातायात सुगम बना दिया, यातायात जो था वो फ्री कर दिया, मतलब सुगम कर दिया, सरल जो भी था उस समय वही उसने। और दूसरी चीज, धर्म सुधार, इसने धर्म सुधार का मौका भी दिया, ठीक है। धर्म सुधार के अपने अपने धर्म में विश्वास करिएगा, अपने धर्मों को सुधारें, ठीक है। तो नेपोलियन के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना, ठीक है। अगली वीडियो में हम और बेस्ट लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें ये जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी।